दरवाजे लगना शुरू है रातों रात। अभी बज रहे हैं 10:13, 12:03 हो रहे हैं 17 जुलाई मंडे। और ये जो है मतलब रात में आया हूँ मैं, और ये 12 के पहले ये काम हो गया है। 16 जुलाई को ये दरवाजे लगे हैं, लग चुके हैं माशाल्लाह। रातों रात काम हो गया। आज सुबह से कुछ काम हुआ नहीं था, लेकिन एंडिंग में भी आज जो है आपको तो पता ही है कुछ ना कुछ काम होता ही है, तो ये हुआ है। काफ़ी खूबसूरत अभी नज़र आने लग गया है दरवाज़ा जैसे ही लगा है। और हम थोड़ा बैग से भी देखेंगे। ये बाहर बाहर की तरफ से, और इसको भी जो है हम देखेंगे। नीचे उतर कर तो ये क्लिनिक का जो है दरवाजा वो लग चुका है। हम बैक साइड में से भी इसको इस पर नजर रखेंगे, नजर से देखेंगे तो पता चलेगा। बने रहे फिर हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियोस में। क्या 2 दिन का गायब कर रात में तो फिर ही थोड़ा थोड़ा दिख रहे मेरे को है नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये कोम निकल रही है, कोम निकल रही है। एक एक बीज का एक एक झाड़ तो आज ही जो है डिसाइड किया है कि पैर देंगे मेहंदी के झाड़। अभी ये देखते हैं कि कैसा क्या काम आगे बढ़ता है। अभी तो ज़मीन ऐसी नज़र आ रही है, इरादा ऐसा है कि एल टाइप उसको घेरने का झाड़ को। और ये देख सकते हैं कि आप ये इधर फेरे गए हैं। अभी देखते हैं उधर साइड से भी सोच रहे हैं फेरने का, कि इधर साइड से अभी डिसीज़न लिया जाएगा कि इधर से करना है। आप देख सकते हैं कि चालू हो गए बटन दबाने से। बीच डालना और कारपेंटर वगैरह भी आए हैं अभी मगरिब के टाइम। अंदर का काम है तो नाइट में हो जाता है काम, से रूम का कटिंग वगैरह का आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो डाला हुआ है और पूरे बीज डाले हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के। आज मगरिब के बाद तक ये काम चला है। आज है 16 जुलाई संडे, इतवार का दिन, और आज मैं आया हूँ 5:52 को। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल थोड़ा वो लगाए थे मेहंदी के बीच, तो कुछ ही दिनों में वो उगते हुए नज़र आएंगे। और पूरा उसको घेरने का इरादा है ऐसा कि पूरा यहाँ पे मेहंदी का जो है वो एकदम उसकी दीवार जैसा बन जाए। मेहंदी के झाड़ जो है बकरियाँ वगैरह भी नहीं खाती है, इस वजह से भी जो है उसे लगाने का इरादा हुआ है, और एक दीवार जैसी बन जाती है। तो अभी कल या परसों में पूरा मतलब उसको लगा दिया जाएगा। अभी तो थोड़े से ही रकबे में किया गया है वो। और आप
आप ये देख सकते हैं कि कल रात में जो है वो कारपेंटर वगैरह आए थे, और कल जो है बिल्ला पुट्टी वगैरह का भी काम हुआ था। आज तो ऑफ रहा है काम का। और ये देख सकते हैं आपके दरवाजे जो हैं वो रेडी कर रहे हैं। कल वो आए थे कारपेंटर वगैरह, मैंने कहा था कल के वीडियो में भी कि वो जल्द ही दरवाज़ों का काम जो है वो अपनी तकमील को पहुँचेगा। और कल से रात से ही वो शुरू हो चुका है काम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दरवाजे की चौखट जो है वो लग रही है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, और बनाई भी गए हैं वो दरवाजे वगैरह लगाए जाएंगे। उसका थोड़ा सा काम हुआ है अभी, तब जब दरवाजे लगेंगे तो आपको दिखाई देगा ये कितना शानदार लग रहा है व्यू भी। अब देख सकते हैं कि अभी जो है पिछले वीडियो से आप कंपेयर कर सकते हैं, पूरा वाइट हो गया है और एक ही हाथ हुआ है अभी सब पे, 20 सेकंड हाथ बाकी है। और पीओपी जो है ये भी पीओपी को बिल्ला बुट्टी मार दी गई है। हम उधर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये साइड के जो इंजीनियर है सर्वेश खान, कॉन्ट्रेक्टर जो है मोहसिन खान सर है। ये साइड जो है 1500 स्क्वायर फुट की साइट है जहाँ सर्वेश खान का इंजीनियर ऑफिस रहेगा, डॉक्टर खान का दवाखाना रहेगा। ये भी हुआ था कल सर्वेश खान के इंजीनियर ऑफिस की भी होगी, और ये भी आधा हुआ है, इसके आधे के लिए जुगाड़ बांधना पड़ेगा। और ये भी आधी पी ओ पी किट की भी लपुट्टी हुई है। और ये साइड जो है अब्दुल्ला पैलेस के सामने है, ये पैराडाइस रोड जिसे सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर है। और ये रोड जो है लेफ्ट साइड की तरफ इतवारा बाजार वी एम पी पंचवटी होते हुए नागपुर हाईवे को टच होता है, राइट साइड की तरफ 250 मीटर की दूरी पर वलगा रोड को टच होता है। ये वलगा रोड लेफ्ट साइड की तरफ इतवारा बाजार आ जाए, राइट साइड की तरफ एम पी रोड वलगा वगैरह आता है। और गैबुशवली अलैहिस्सलाम की जो दरगाह वहाँ से साइड की लिए दिखती है, ये साइड से भी गैबुशवली अलैहिस्सलाम की दरगाह के लिए दिखती है। ये साइड जो है अमरावती शहर में है। बने रहे फिर हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।